जो 2020 हमारे पास पास्ट पेपर है उसका बी पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट था वो आप चेक कर सकते हैं। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का हमारे पास फर्स्ट ईयर है, टी रेडियन होता है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में उठाया गया। यूनिट ऑफ मयरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, ये हमारे पास बेसिक यूनिट जो हमारे पास नाइन्थ क्लास में दिए गए हैं। जे सेकंड कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट एज, यानी कि जो जे जॉल सेकंड, जॉल फी सेकंड या जॉल सेकंड, तो जॉल कम किलोग्राम मीटर फी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, यानी सेकंड के साथ सेकंड कट जाएगा तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड आ जाएगा। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो हमारे पास लाइट ईयर है डिस्टेंस में कवर्ड होता है लाइट ईयर का, क्योंकि एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है वो हमारे पास वन लाइट ईयर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ये हमारे पास जॉल के इक्वल होता है और जॉल जो होता है हमारे पास वर्क के इक्वल होता है, यानी वर्क इक्वल टू हमारे पास फोर्स ओवर फोर्स क्रॉस डिस्टेंस के होता है, तो हमारे किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बेस यूनिट, बेस कौन सी हमारे पास है, तो ये लेंथ भी बेस है, मास भी बेस है, टाइम भी बेस है, तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट्स आवाज एस्टेब्लिश 1960 में, इंतहाई अहम शॉर्ट, देखें पास पेपर कितना आसान आ रहा है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन ऐसा यूनिट्स इज अ रेडियन है और स्टी रेडियन दोनों होते हैं हमारे पास। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, किलो पीको किलो टेरा, पीको मनफी 12 होता है, किलो 3 होता है और टेरा 10 की जमा का 12 होता है। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या होता है, रेडियन। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इज अ ए एंड सी दोनों, यानी मीटर भी होता है और लाइट ईयर भी होता है। कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ मयरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। एक मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि एक मिली सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी को सेंटी की 3 हो गई और यहाँ से 3 कट जाएंगी तो हमारे पास 3 बच जाएगा, वो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास 10^9 मिलीमीटर क्यूब, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब में। कह रहा स्टी रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर में जाकर स्टी रेडियन का एंगल बनता है। ये सारे फर्स्ट ईयर से और नाइन्थ क्लास से आ रहे हैं, आप अच्छी तरह उसको तैयारी कर लें। मोल इज अ यूनिट ऑफ फॉर मयरिंग मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 कन्वर्जन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बिकम जोल, ये जोल का यूनिट है हमारे पास। टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज कितना, 500 सेकंड लेती है, ये बात इन जनरल नॉलेज से आ रही है। MLT -1 और MLT -3 आर द डायमेंशनल लॉ ऑफ मोमेंटम की है और पावर की है, मोमेंटम और पावर की डायमेंशन है। दूसरी MCQs हमारे पास आ गई है पास्ट पेपर में डायमेंशन की, डायमेंशन आर सेम फॉर, किस किस की डायमेंशन सेम होती है हमारे पास, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड की, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी की, ए बी दोनों, तो हमारे पास ए एंड सी यानी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों मीटर्स में होती हैं और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों हमारे पास मीटर फी सेकंड यानी कि जो होते हैं हर्ट्ज का यूनिट होता है और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा फी सेकंड होती है। विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट डायमेंशन, तो एनर्जी वर्क टॉर्क काइनेटिक एनर्जी ये सारी हमारे पास सेम डायमेंशन रखती हैं, फार्मूला होता है, तो टेंशन जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी है। द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट फॉर फ्रॉम डेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द सेम एज डेट ऑफ प्रेशर एंड द सेम एज डेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमारे पास ए बी दोनों आएगा, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट सेम एज डेट ऑफ प्रेशर। विच क्वान्टिटी हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, कौन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास डिफरेंट बाकी तीनों जो होती हैं सेम होती है। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का ऐसा यूनिट होता है जोल फी सेकेंड, तो इट्स डायमेंशन इज ML²T-1। प्लैंक कॉन्स्टेंट हैज़ ऐसा यूनिट ऑफ जोल फी सेकेंड, इट्स ML²T-1 हो गया जी। ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम आर रिस्पेक्टिवली द नेम्स ऑफ, ये होते हैं एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारे पास आइसोटोप्स के नाम हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर कितने हैं जी, 3 हैं, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रेटियम तीनों होते हैं जी। न्यूक्लियस न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन ऑल ऑफ दीज प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रेटियम। रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेकिंग द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि हमारे पास रेशियो जो होती है लेस देन 1 होती है, डेफिनेशन है हमारे पास।
टोटल एनर्जी ऑफ द बाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वन इन द न्यूक्लियस लेस देन व्हेन दे आर फ्री पार्टिकल होते हैं. फॉर प्रोटियम द मास डिफेक्ट इज जीरो, डिफेक्ट इज जीरो होता है. 71 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ हीलियम न्यूक्लियस इनटू इट्स टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन इज 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन है जो है नाइन्थ में भी है, लास्ट लेक्चर में नहीं टेंथ में सॉरी, और उसके बाद सेकंड ईयर में भी है. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी टेंथ के सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर में है. अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास ऑल ट्रू, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, एक्चुअली हीलियम पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सारे आपसी प्रॉपर्टीज हैं. अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इज अ हीलियम न्यूक्लियस होते हैं. बेटा पार्टिकल क्या होते हैं हमारे पास, इज एन इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं. और इसके अलावा जी पीछे हमने देखने हैं, हाँ 76 द रेडियन इज नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी, यानी कि गामा रेडिएशन जो होती हैं. अल्फा जो होती हैं वो हमारे पास डिफेक्ट इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक में डिफेक्ट होती हैं, गामा नहीं होती. द मास एंड चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4m+2, यानी 4 कम होता है और प्लस 2 इंक्रीज होता है. गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नियरली सिमिलर टू एक्स रेज से. द पैटर्न ऑफ एन सी एल पार्टिकल हैव अ शेप विच ए एंड सी, यानी क्यूबिक भी होता है और हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी होता है. उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड आइटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर अटोमिक यानी कोहेसिव फोर्सेस से अटैच होते हैं. और ये हमारे पास एबिलिटी टेस्ट था, यानी कि जो 80% हमारे पास रिस्पेक्टिव आता है और 20 मेरे एमसीक्यू जो होते हैं वो आउट ऑफ जनरल नॉलेज के आते हैं. द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डार्लिंग है. कंट्री जो है वो लैंड ऑफ ड्रोंगलियन नेपाल का है. और हमारे पास पाक स्टडी का कह रहा है इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्व डेयर ऑफ डिलीवरेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर 1939 में दिया गया था, 22 दिसंबर 1939. चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड नेम 1933 में दिया था. ये तो हमारे पास टेंथ की मुताले पाकिस्तान है. पाकिस्तानी क्रिकेटर यासर शाह हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट ब्रेकिंग स्टेडियम रिकॉर्ड 82 ईयर्स. किसका जी, क्लैरी ग्रेटमेर गैरी मेट का लिया रिकॉर्ड तोड़ा था. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया इज 5.1 बिलियन. और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हो गया जी ज़कात इस वक्त आउट एट राइट, यानी कि हमारे पास ज़कात जो होती है 2.5% होती है अमाउंट के, 7.5% होती थी सो गोल्ड के, और 52% होती है जो चांदी के यानी सिल्वर के. होली प्रॉफिट मेड हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना 622 हिजरी में, यानी कि आपने 10 साल बाद जो है हिजरत फरमाई थी, तो 12 में आपकी पैदाइश हुई और 10 साल बाद आपने मक्का से मदीना हिजरत की. नेम द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, हमारे पास कौन सा है जी सॉरी मालदीव सबसे छोटा जो है कंट्री है. लेक टीटिका इज लोकेटेड इन पीरू, पीरू में है. इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी 28:27. फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए फी फिनिश, इन जो हमारे पास अगर ए जो है बी को बीट कर रहा है 28 मीटर में और 7 सेकंड बाद वो कितने रेस फिनिश कर, तो 28 सेकंड बाद हमारे पास 8 मिनट 8 सेकंड लगेंगे उसको. इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही हैड अ लॉस ऑफ 25% ऑन द कैपिटल वी हैड एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, बट वाज हिज ओवरऑल लॉस 5% है. हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है. एमिनेंट मीन्स फेमस, ये इंग्लिश का जी एमिनेंट मीन मतलब होता है फेमस. विच वर्ड ऑफ द रॉन्गली स्पेल्ड है, तो ग्रेटिट्यूड सही लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन सही लिखा हुआ है, कंपेनियन सही लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस गलत लिखा हुआ है, PRIVOUS नहीं आता. उसके बाद है पाकिस्तान प्लान्स टू सेंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस 2020 में, हमने 2022 में दिया था. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग साइंस के बारे में होता है. बेसिक कंप्यूटर में व्हाट इज द लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फ़ॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार 72 होता है. सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग क्या आता है, होल डॉक्यूमेंट. सेलेक्टिंग टेक्स्ट यानी सारा डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं. तलुआ इस्लाम कौन से शायर हैं, अलामा इकबाल की लिखी हुई है. मंदरजा झैल में कवायद के दूसरे का पंखड़ी पहाड़ टोकड़ी, ये इसम सगीर हैं, यानी कि पंखड़ी छोटा पहाड़ी
और टोकरी, यानी छोटा सगीर, कबीर होता है बड़ा और तस्वीर मतलब छोटा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम पास्ट पेपर इंशाल्लाह मज़ीद भी इनको कवर करते रहेंगे और इनको पढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आपको बाकी थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स और बाकी जो इनके बेसिक बेसिक देख लें। सारा पास्ट पेपर हमने 2020 का डिस्कस किया है, तो कितनी जो है इजी इजी एमसीक्यूज़ हैं, तो मज़ीद इंशाल्लाह इजी एमसीक्यूज़ के साथ मैं मज़ीद आपको वीडियोस बनाता रहूँगा, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब 9th 10th की अच्छी तरह तैयारी कर लें, फिजिक्स की और मैट्रिक इंटर दोनों की। ओके जी।